हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज सुबह, नया दिन नहीं सुबह पर काम वही। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये स्वाति को आजकल क्या हो गया है, रोज़ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। तो जी हाँ, जब डेली व्लॉगिंग करनी ही है, रोज़ व्लॉग आने ही हैं, तो भाई जो मैं काम ज़्यादा करती हूँ वही तो दिखाऊँगी, अलग से काम कहाँ से लेके आऊँगी। तो यहाँ पर आज हमारे घर में बनने वाला है पालक पनीर। तो एक पालक पनीर बन तो रहा है, पर ज़्यादा खुशी मुझे बनाने में तब होती और इन्हें खाने में तब होती अगर ये पालक पहाड़ी होता। तो ये नॉर्मल पालक है, ये कहीं भी मतलब मिल जाता है। एक दूसरी शेप का पालक होता है, वो थोड़ी कटिंग में होता है, तो उसको जब बनाते हैं ना तो उसका गजब का टेस्ट होता है। तो इनको वही पसंद है, ये वाला इनको कम पसंद है, पर वो अभी हमें मिल नहीं रहा है और वो जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यार, जो मिल रहा है उसको ही वो कर देते हैं, जो मिला है उसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई निकाल रही हूँ दूध से, क्योंकि अब चाय वाय बनानी है तो दूध चाहिए ही। और घर में ही हम लोग घी बनाते हैं तो मलाई का खास ध्यान रखा जाता है कि ख़राब ना हो, और इसलिए मैं इसी करछी से निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से मलाई निकल जाए। कोई कोई चम्मच से भी निकाल लेता है, पर वो मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि ना मैं जब चम्मच से निकालती हूँ वो मलाई फट जाती है, इधर उधर हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी मैंने ये पालक को साफ, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा करना है, क्योंकि भाई हरी सब्जियों को ज़्यादा ध्यान से साफ़ करना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, 6-7 बार धोना पड़ता है, 2 जार ठंडे, 2 जार गर्म पानी में। तो गीज़र ऑन मैंने कर दिया है, तो पानी भी इसमें गर्म हो चुका है, बस 1-2 मिनट और लगेंगे। मैं रुकी इसलिए थी, मैंने कहा ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। और मेरी चाय भी यहाँ पर बन चुकी है, बस गैस में बनाने का थोड़ा वो होता है, उस टाइम लाइट गई हुई थी तो इसलिए मैंने इंडक्शन में नहीं बनाई। वैसे मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ, क्योंकि ना फिर बर्तन जो है जलता नहीं है। गैस में क्या होता है, साइडों से ना फूक जाता है, ज़रा सी अगर गैस ज़्यादा हो गई तो साइडों से सारा काला हो जाता है, फिर वो ना बहुत मुश्किल होता है धोना। तो चलो फिर चाय बना ले लेती हूँ चाय, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। कौन सा कप निकाला जाए, कपों की भरमार है यहाँ पे देखो। ये नीचे के तो दिख भी नहीं रहे होंगे, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला कप लगता है, ये वाला। मैं इसी में ही लूंगी आज चाय। तो कोई भी बर्तन चाहे ऑलरेडी धुला हुआ हो, मेरी अब मोस्टली ये आदत होती है कि उसको फिर से पहले छला लो, फिर जाके उसको यूज़ करो, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे छोटे छोटे जीव जंतु हमारे बर्तनों में नाच के चले गए रात भर में। तो इसीलिए पहले छला लें उसे, पता भी अच्छा है। तो यह मैंने कप को रख लिया, इसमें चाय डाल रही हूँ। आहा हा, सुबह सुबह अदरक वाली चाय अगर मिल जाए तो सारा काम फटाफट हो जाए, है ना। तो ये लो, आप भी पी लो चाय। तो यहाँ पर चाय मैंने रख दी कप में डाल करके, और फिर से मैं अपनी उसी काम में लग गई हूँ। जो पालक बचा है ना, जो मतलब मुझे नहीं सही लगा है, उसको मैंने साइड में रख दिया है। साथ साथ क्लीनिंग करने के बाद गीज़र भी मैंने ऑन कर दिया था, क्योंकि पालक को धोना था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई हरी सब्जियाँ, मेरे को लग रहा है मैं पिछले 4-5 ब्लॉग से मेरी ब्लॉग में हरी सब्जियाँ बन रही हैं, तो इसलिए 4-5 बार धोना पड़ता है, 4-5 बार धोना पड़ना है, बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बिना चॉप किए डाल दूँगी इसमें कुकर में, ताकि इसमें सीटी लग जाए और फिर मैं उसको बाद में ब्लेंड करूँगी। पहले मैं काट के भी डालती थी, पर 1-2 बार मैंने ऐसी बिना काटे डाल दी तो वो भी अच्छे से हो जाती, तो मैंने कहा क्यों अपने 5 मिनट क्यों ना बचाए जाए क्योंकि ब्लेंड तो वो तब भी अच्छे से हो ही जाती है, चाहे काटो या ना काटो। तो मैं इसमें एक सीटी लगवाऊंगी, ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बाकी कुकर, कोई कोई इसको ना बॉयल भी करता है पतीले में डाल करके, ताकि इसका कलर वो ना हो, ग्रीन ही रहे, पर मैं इसको कुकर में एक सीटी लगवा लूँगी, उसके बाद देखेंगे। और बाकी मैं जब तक ये होगा मसाला निकाल लेती हूँ। पनीर मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मैं बचा भी दूंगी, क्योंकि पालक पनीर में पनीर मतलब हर किसी के पास 2-4 टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि पनीर पनीर आ ही जा रहा है, पालक इतना कम है और पनीर ही मुंह में आ जा रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और थोड़े से को मैं काट दूंगी नॉर्मल पीसेज में, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। और 2 टमाटर डालूंगी और 2 प्याज डालूंगी और लहसुन डालूंगी, अदरक हमारे यहाँ डलता नहीं है। तो बस अब मैं कर लेती हूँ मसाला तैयार, और इसको मैं धो लेती हूँ पनीर को एक बार अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये चॉपर में, हैंड चॉपर होता है ना, उस पर मैंने इन सब चीज़ों को चॉप कर लिया है, ताकि और अच्छा आए, मतलब अच्छी लगती है ग्रेवी, जैसे प्याज वगैरह टमाटर वगैरह अच्छे से कर लो और ये जल्दी भुन भी जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स,
पालक हमारी उबल चुकी है, मतलब अरे अरे पालक हमारी उबल चुकी है, एक सीटी लगवाई है, बस गैस निकल जाए तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी, मतलब बारीक कर दूँगी। और ये मैंने मसाला तैयार कर दिया है, इसमें लहसुन डाल दी है और 3 हरी मिर्चें डाली, ऐसी बहुत मस्त लगता है तो 2 प्याज और मतलब मीडियम मीडियम, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, 2 प्याज, लहसुन और क्या बोलते हैं हरी मिर्च। अदरक नहीं डाला है क्योंकि आप सभी को भी पता है अदरक क्यों नहीं डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अदरक नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं है। और ये है टमाटर, 2 टमाटर पीसे हैं मैंने, 2 इसलिए क्योंकि टमाटर आजकल आसमान छू रहे हैं, वैसे तो सभी चीज़ें आसमान छू रही हैं पर कोई बात नहीं, 2 बहुत हैं। और ये है पनीर, थोड़ा सा रख दिया है, थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा एकदम पनीर पनीर भी मुँह में आता रहे तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा पनीर थोड़ा पालक। तो अब स्टार्ट करेंगे हम बनाना, उसके लिए हम निकालते हैं अपने लोहे की कढ़ाई। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारी हो ही चुकी है, टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया था। और ये देखिए हमारा पालक, और इसमें अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी मैंने गैस से निकाला है, तो 5-10 मिनट रुकने के बाद में इसको मैं ब्लेंड करूँगी कभी कभी ना वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, ब्लेंड करूँगी तो यहाँ पर देखो धुआं कैमरे पे लग रहा है तो सारा धुंधला धुंधला हो गया है, तो थोड़ा रुकने के बाद इसको मैं ब्लेंडर से चला दूँगी ताकि ये बारीक हो जाए। तो सही उबला है ना, बिल्कुल एक सीटी में बिल्कुल ये सही उबल जाता है, मतलब सही हो जाता है ये ठीक। तो अब थोड़ा ठहरने के बाद ब्लेंडर मैंने निकाल लिया है और इसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ अच्छी तरह। तो तेल हमारा गरम अच्छे तरीके से हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जखिया, मेथी और जीरा, बिना जखिए के हमारा खाना बनता नहीं है, हर चीज़ में जखिया, मेरा बस चले मैं पराठों में भी जखिया डाल दूँ, मुझे इतना पसंद है जखिया खाना। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं ब्राउन होने दूँगी और हींग भी डालूँगी क्योंकि हींग भी बहुत ज़रूरी है, आयली बायली चीज़ों में डालना ही पड़ता है, दाल वाल में या साग वाग में। तो यहाँ पर ब्राउन हो चुका है और अब मैं ब्लेंडर को धो धा के संभाल रही हूँ क्योंकि जितनी चीज़ों को समेटते रहो ना तो उतना ही अच्छा होता है खुद के लिए, क्योंकि बाद में भी हमें ही समेटना है, उसमें साग चिपक जाता है सूखने के बाद, इसलिए मैंने गीले में ही थोड़ा साफ़ कर दिया आगे से और रख दिया। तो देखो अच्छी तरीके से हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन, क्या काला ही होने वाला था थोड़ा वही होता ना, मैं ब्लेंडर धोने में लग गई वो प्याज वैसा हो गया। तो इसमें मैंने टमाटर डाल के अच्छी तरीके से नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह जो भी है, कोई कोई इसमें खड़े मसाले भी डालता है जैसे कि काली मिर्च और वो लौंग वगैरह, पर मैं गर्म मसाले का यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ सब्जियों में। यहाँ पर हमारा पालक मैंने डाल दिया है, कोई कोई पनीर भी फ्राई करके डालता है पर मैं पनीर भी फ्राई नहीं करती हूँ, वो ऊपर से ऐसे डाल देती हूँ और फिर 5-10 मिनट इसको खदका लगने दूंगी। तो हमारा पालक कब का बन चुका है, 1 घंटे बाद मैं फिर से रोटी बनाने के लिए आ रही हूँ क्योंकि ये कुछ काम कर रहे थे तो इसलिए नाश्ता फटाफट से नहीं बनाया, तब तक मैं अपना फ्रेश वगैरह भी हो गई, रेडी भी हो गई, तो क्योंकि हमें कहीं जाना था तो मैंने कहा चलो फटाफट से रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है रोटी बनानी। तो सबसे पहली रोटी हमारी गाय माता की ही बनती है हमेशा, रोज़ का ये रूल है कि पहली रोटी गाय माता के लिए ही बनेगी। तो ये तो कभी पराठे नहीं खाते हैं, मतलब बहुत कम होता है, हफ्ते में एक आधी बार आलू के प्याज के ऐसे कुछ पराठे खा लें, इनको बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा पसंद है, इनको फास्ट फूड वगैरह और ऐसा ऑयली ऑयली पूरी वूरी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये हमारे घर फिर बनता भी नहीं है क्योंकि एक जना ना खाए ना तो मैं भी फिर सोचती हूँ यार चलो जितना कम ऑयली खाऊँ उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं तो खैर अपने लिए सुबह के टाइम पर 2 पराठे बना ही लेती हूँ, पूरी वूरी छोड़ सकती हूँ पराठे नहीं छोड़ सकती तो इसलिए मैं अपने लिए पराठे बना लेती हूँ, और पालक के साग वगैरह के साथ और सब्जी के साथ तो भाई पराठे ही मस्त लगते हैं।
तो मैंने मक्खन भी घर में ही बना रखा है, वो मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं अगले दिन पालक का साग बनाऊंगी और उसमें यूज़ होगा, पर बहुत ही ज़्यादा गजब का लगता है। साग वगैरह में मक्खन डाल लो ना ऊपर से, और रोटी पे भी लगा लो घी की बजाय मक्खन, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है। ये देखो मैंने इसमें रखा हुआ है, सारांश को पसंद है ना मक्खन, इसलिए मैंने बना के रख दिया था। मैंने कहा बाहर के मक्खन से अच्छा है घर के ही मलाई का मक्खन खाएगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से खाना लगा लेती हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्हें निकलना था अपने काम से और मुझे अपने काम से। तो यहाँ पर दो रोटी और थोड़ा सा साग। इन प्लेट्स में क्या होता है कि कम सब्जी आती है, तो ऐसा होता है कि किसी को और चाहिए तो और नेक्स्ट टाइम ले लेगा, पर एकदम से ज़्यादा नहीं जाती है कि वेस्ट ना हो फिर, है ना, कभी, क्योंकि वेस्ट होता ना जब खाना तो बड़ा अजीब सा लगता है, गंदा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों में मक्खन डाल दिया भर भर के। तो मैं इनको देने जाती हूँ ब्रेकफास्ट। आपको पालक पनीर और रोटी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी खा लीजिएगा। बाय बाय।